वेट रन एक्टर दिलीप कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है। दिलीप साहब को यह सम्मान सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया है। इस मौके पर उनके भाई असलम खान, पत्नी सायरा बानू, बहने साइदा और फरीदा खान मौजूद रहीं। दिलीप साहब को यह अवार्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा उनके जन्मदिन पर प्रदान किया गया। हालांकि खराब स्वास्थ्य के चलते एक्टर खुद सम्मान लेने नहीं पहुंच सके। उनके स्थान पर भाई असलम खान ने अवार्ड स्वीकार किया। साल 1994 में दादा साहब फाल्के से सम्मानित हो चुके दिलीप साहब आखिरी बार साल 1998 में किला में नजर आए थे। उन्हें साल 2015 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में अपना 97वां जन्मदिन मना चुके दिलीप साहब को दुनिया भर से उनके फैंस ने बधाई दी थी। उन्होंने ट्विटर पर सभी का शुक्रिया करते हुए लिखा था, 97वें जन्मदिन पर कल रात से कॉल और मैसेज आ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। उत्सव महत्वपूर्ण नहीं है, आपके असीम प्रेम, स्नेह और दुआओं को देखकर हमेशा मेरी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से नम हो जाती हैं। अपने 50 साल के करियर में दिलीप साहब ने मुगल ए आजम, नया दौर, देवदास, कर्मा जैसी कई बड़ी फिल्में दी हैं। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1944 में आई ज्वार भाटा से की थी।